रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ वेरिएबल मास सिचुएशन। वेरिएबल मास इसलिए क्योंकि जब भी रॉकेट उड़ेगा बहुत सारा फ्यूल लेके उड़ेगा, रॉकेट को बहुत दूर जाना है, मेजर उसमें जो वेट है वो फ्यूल का ही रहता है। फ्यूल बर्न होता जाएगा गैसेस की फॉर्म में, रॉकेट का मास हल्का होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, रॉकेट की गैसेस नीचे निकलेंगी तो बाय मोमेंटम m1 v1 से m2 v2 जनरेट होगा और रॉकेट ऊपर जाएगा। तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर रॉकेट कैसे ऊपर गया, बस यही है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अगर आ जाए तो लिख देना, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसके अंदर एक्सप्रेशन है फॉर वेलोसिटी गेन्ड बाय द रॉकेट। जब रॉकेट उड़ रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब रॉकेट की सिचुएशन ऐसी है, जब रॉकेट ग्राउंड पे था तो ये फ्यूल भरा पड़ा ग्रे कलर का, हवा में थोड़ा कम हो गया और धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। जब ग्राउंड पे था मास एम नॉट था और वेलोसिटी वी नॉट से शुरू होता है, वो अलग बात है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट को हम जीरो पुट कर देते हैं। हवा में किसी भी इंस्टेंट पर मास क्या है, एम है, और वेलोसिटी वी हो गई, और गैस की कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है वी जी एट टाइम टी। ठीक, गैस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे निकल रही है। नेक्स्ट है, गैस निकल रही है अगले टाइम पे टी प्लस डी टी पे, हल्का सा और टाइम आगे गया तो वेलोसिटी वी प्लस क्या हो गई, डीवी हो गई, वेलोसिटी वी प्लस डीवी हो गई। धीरे धीरे वेलोसिटी गेन हो रही है रॉकेट की और मास कम होता जा रहा है डीएम, मास एम था और माइनस डीएम हो गया। तो सिचुएशन क्लियर है, इसको पहले पूरा डायग्राम से समझाया और यहां लिखा गया एम नॉट और वी नॉट इनिशियल मास एंड वेलोसिटी है रॉकेट की, किसी भी इंस्टेंट पर एम और वी वेलोसिटी है टी टाइम पे, और डीएम और डीवी वेलोसिटी, डीएम मास खर्च होता जा रहा है फ्यूल का और डीवी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है रॉकेट की, और वीजी जो है एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक हो गया, सारे वेरिएबल्स हो गए। अब वो कहता है कि जब रॉकेट उड़ता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, रॉकेट किसी भी इंस्टेंट पर मोमेंटम कितना गेन करेगा, एम इंटू वी, मास उसका एम है, वेलोसिटी उसकी वी है। और उससे पहले क्या सिचुएशन थी, उससे पहले उसका मास या उसके बाद क्या सिचुएशन है, मास उसका m माइनस डीएम हो गया, जो रॉकेट है उसका मास m माइनस डीएम हो गया, और वेलोसिटी रॉकेट की v प्लस डीवी हो गई। और साथ में प्रॉब्लम ये है, सिर्फ रॉकेट नहीं है, साथ में गैस भी तो है, तो गैस डीएम नीचे चली गई विद अ वेलोसिटी ऑफ माइनस वी जी। माइनस वी जी इसलिए क्योंकि गैस कहाँ जा रही है, नीचे, और रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये किसी भी इंस्टेंट पर मोमेंटम है रॉकेट का, ये अगले इंस्टेंट पर मोमेंटम है रॉकेट का, और ये गैस का मोमेंटम है जो उसमें से बर्न हो रही है। ये मोमेंटम कंजर्वेशन इसने लगाया, इस पूरे ब्रैकेट को इसने ओपन किया, आपको नहीं करना, चिंता ना करो, इसने लगाया, आपने इसे ओपन किया, ओपन करके आपके पास ना ये बड़ी सी टर्म आ गई। फिर ये कहता है इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, डीएम और डीवी बहुत छोटे हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है कैन बी निग्लेक्टेड, ये तो बहुत ही छोटे हैं, इसको छोड़ ही दो, कहता। जब आप इसे छोड़ देंगे तो आपके पास ये बनेगा mv से mv हो जाएगा कैंसल, ये आपने छोड़ दिया निग्लेक्टेड है, तो आपके पास क्या बना mdv, और इस में से dm कॉमन आ गया तो क्या बना v प्लस vg, ये vg है पीछे, vg ये रहा v प्लस vg, राइट, v प्लस vg। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन की एक इजी क्वेश्चन आ गई। आपने ये भी नहीं करना, चिंता ना करो, आपने क्या करना बताता हूं। इसके बाद वो कहते हैं कि मान लो u इज द वेलोसिटी रिलेटिव ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, नहीं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो vg है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो ये वेलोसिटी u है, और u वेलोसिटी निकलेगी कैसे, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में से वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ को माइनस कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ गैस तो हमें पता है vg नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि गैस नीचे जा रही है, और रॉकेट की वेलोसिटी v है, तो इसकी जगह उसने क्या रिप्रेजेंट किया, u, तो इन दोनों का सम आ गया माइनस u। तो इसने क्या किया एंड में, इस v प्लस vg की जगह यहां पर क्या पुट कर दिया, माइनस u। आपने क्या करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करना आपने, अगर पेपर में आए तो डायग्राम बनाओ रॉकेट का, प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड, सीधा ये इक्वेशन से लिखना स्टार्ट करो, सीधा लिखो कि ये रॉकेट का मोमेंटम है, रॉकेट का मास m है, और रॉकेट की इंक्रीज इन वेलोसिटी dv है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैस की वेलोसिटी है u नीचे की तरफ, और गैस कितना बर्न हो रही है, dm, तो dm गैस बर्न करने पे u वेलोसिटी से जब गैस निकलती है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रॉकेट की वेलोसिटी में dv का इंक्रीज हो जाता है। तो आपने वो कुछ नहीं करनी कैलकुलेशन, आपने अपना पहला स्टेप जो लिखना है वो यही लिखना है बस,
बस एक लाइन आपने याद करनी है, बिलीव में कुछ भी नहीं है इसके बाद। ये आप m नीचे ले गए तो आपके पास ये dv आ गया, लिमिट्स लगा दो, इंटीग्रेशन करो। रॉकेट जब ज़मीन पे था तो वेलोसिटी v नॉट है और किसी भी इंस्टेंट पर v है, ज़मीन पे मास है m नॉट और किसी भी इंस्टेंट पर m हो गया। इसे इंटीग्रेट करो, 1 dv की इंटीग्रेशन v, 1/m की log ऑफ m, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट v माइनस v नॉट, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट log m माइनस log m नॉट, log m माइनस log m नॉट इज log ऑफ m बाय m नॉट। तो ये आपके पास माइनस में आ रही है टर्म, माइनस को अगर प्लस बनाना है इसको रेसिप्रोकल ले लो, m नॉट ऊपर m नीचे। तो ये v माइनस v नॉट आ गया, v नॉट राइट साइड पे गया, तो ये फॉर्मूला बन गया रॉकेट का वेलोसिटी का, और इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की v नॉट जीरो होती है। तो ये फॉर्मूला आपने प्रूफ करके आना है अगर आपके पेपर में आया। कुछ नहीं करना, ये लाइन लिखो एक dv, लिमिट्स m नॉट से m, v नॉट से v, इसे करो इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है यहां तक? एक तो ये टॉपिक आएगा, ये नहीं आएगा तो फिर ये आएगा, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट का मतलब फोर्स ऑन द रॉकेट। फिर से एक बार काम करो, जो इक्वेशन अभी मैंने सिखाई ना लिखनी रॉकेट के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर से सेम लिखो, लिख दिया सेम, dt और dt से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो dv बाय dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स, यही फोर्स है, बस आंसर आ गया, फोर्स ऑन द रॉकेट, खत्म, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। ठीक, इसके दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको दो तीन करके दिखाना चाहता हूं, कर आ जाए तो पता हो कि कैसे लगाने हैं। जिसमें पहला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रॉकेट। हमने जो फोर्स रॉकेट पे निकाली अभी भी डेरिवेशन में, सिर्फ ये निकाली थी, बस ये निकाली, ये फोर्स ऊपर की तरफ है। अब रॉकेट का वेट किसी भी इंस्टेंट पर mg है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है रॉकेट की? दिस फोर्स माइनस mg। वो आधे क्वेश्चन में बोलता है ग्रेविटी का अफेक्ट निगलेक्ट कर दो तो फिर ये वेट हटा देना होता है, सिर्फ ये फोर्स। अगर वो कुछ नहीं बोलता फिर रिजल्टेंट फोर्स ही दोनों लेनी होती है। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ये आपके पास फोर्स है, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनेगी? मास को डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा? यू बाय एम डी एम बाय डी टी माइनस जी, है ना, मास एम जी को एम से डिवाइड करोगे, एक्सेलरेशन आ गई। क्लियर है यहां तक? इसे फॉर्मूला क्या लिखा? जी का जी लिखा, डी एम बाय डी टी डी एम बाय डी टी लिखा, यू का यू लिखा, एम का मतलब है इंस्टेंटेनियस मास रॉकेट का। शुरू में मास कितना था रॉकेट का? एम नॉट, और फ्यूल खर्च हो रहा है बाय रेट ऑफ डीएम बाय डीटी। तो टी टाइम में कितना फ्यूल बर्न हो गया? डीएम बाय डीटी को टी से मल्टीप्लाई किया, फ्यूल बर्न आ गया। तो रॉकेट के इनिशियल मास में से फ्यूल बर्न को माइनस कर दिया तो ये टर्म क्या आ जाएगी? एम। तो एम को कैसे लिखा, समझ में आ रहा है? एम का मतलब है इनिशियल मास है एम नॉट रॉकेट का, फ्यूल बिल्कुल भरा पड़ा है। तो टी टाइम में डीएम बाय डीटी के रेट से गैस बर्न हो रही है, फ्यूल बर्न हो रहा है, टाइम टी में इतना फ्यूल बर्न हो गया तो कितना बचा मास रॉकेट का? माइनस कर लिया। इसलिए उसने इस एम की जगह ये पूरे का पूरा फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला याद करना है। तो बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। जैसे ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 100 kg/s, तो क्या गिवन है? डीएम बाय डीटी। इन अ रॉकेट एग्जॉस्ट गैसेस आर इजेक्टेड एट अ स्पीड ऑफ, यू गिवन है, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट निकालो। थ्रस्ट का फॉर्मूला हमने किया यू इंटू डीएम बाई डी टी, यू पता है, डीएम बाई डी टी पता है, आंसर थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। जैसे रॉकेट ऑफ इनिशियल मास, इनिशियल मास क्या होता है? एम नॉट। मास एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ निकल रहा है 16 kg/s, क्या गिवन है? डीएम बाई डी टी। विद अ कॉन्स्टेंट रिलेटिव स्पीड ऑफ 11, क्या गिवन है? यू। वॉट इज द एक्सेलरेशन? निगलेक्ट ग्रेविटी। तो हमने एक्सेलरेशन का बड़ा सा फॉर्मूला किया था, पीछे जी भी था, निगलेक्ट ग्रेविटी में जी उड़ा दिया। डीएम बाई डी टी पता है, डीएम बाई डी टी पता है, टाइम 1 मिनट पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट 1 मिनट में निकालो। तो टाइम टी की जगह 60 सेकेंड, एम नॉट पता है, यू पता है, सीधा एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है इस असाइनमेंट में। वैसे आने की प्रोबेबिलिटी कम है तो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है आपको। थ्योरी में आ सकता है रॉकेट प्रोपल्शन कैसे लिखना है, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट और
थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, वो प्रूव करवाना चाहिए।